तो जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैंने रजनीगंधा के बल्ब मंगाए हैं, तो मैंने उसके लिए मिट्टी रेडी कर ली है। और ये देख सकते हैं पॉट, और ये रजनीगंधा के बल्ब थोड़ा उसमें फंजीसाइड में डाल के भिगो दिया है। अब चलिए चल के इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं मिट्टी की बात करूँ तो मैंने इसमें नॉर्मल सॉइल मिलाई है और गोबर खाद और थोड़ी सी DAP डाली। मिट्टी देखिए काफ़ी सही है, मेरे यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ पे खेती काफ़ी अच्छी खासी होती है, तो मिट्टी में कोई कमी नहीं मेरे यहाँ के। चलिए बढ़ देते हैं, पूरा वीडियो जाना। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुँचा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और चलिए चलते हैं, भर दिया। ये देखिए ट्यूबर्स, मुझे ये पड़े हैं 133 के। इनके ट्यूबर्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हेल्दी ट्यूबर्स हैं, तो मैं लगाता हूँ तब तक। ये देखिए कितने बड़े बड़े ट्यूबर्स हैं। ये देखिए कितने हेल्दी ट्यूबर्स हैं। अगर आप मंगाना चाहें तो मुझे बताना, मैं सारी चीज़ें डाल दूँगा, तो आप देखना ज़रूर। चलिए चलते बाकी मिट्टी डाल देते हैं। देख सकते हैं मेरा पेंट रेती हो गया है। अब इसमें पानी डाल देंगे, ये फंजीसाइड पानी डालना ज़रूरी होता है क्योंकि रूट रॉट ना हो और बल्ब सड़े ना, इसलिए ये ज़रूरी है, ये उन चीज़ों से बताता है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। और इसका अपडेट मैं आगे दूँगा कि कैसे इसमें सारी चीज़ें निकली हैं। तो ठीक है।